15 दिन में ही पंप से एक एक बूंद पानी मोटर के पंखे पर टकरा करके पानी बाहर लीकेज का समस्या आने लगी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके कस्टमर केयर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो अभी हमारे को इसके कस्टमर केयर की जरूरत पड़ गई है। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पे इसका जो पाइप है ना, यहाँ पे व्हाइट कलर की ये पाइप अंदर में दिख रही होगी, ये व्हाइट कलर की पाइप ऊपर से पानी टपक रही है इसके फिन्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे दिए हुए नंबर को हमने कॉल किया है। ठीक है, इस नंबर को हमने कॉल किया और कॉल करने के बाद कुछ देर वेटिंग पीरियड था, उसके बाद हमने कस्टमर केयर से बात किया। कस्टमर केयर ने मेरे को अपना एड्रेस पूछा, नाम पूछा और पिन कोड पूछा जिस एरिया में आपको सर्विस चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कब का परचेज है, ये सब सारा कुछ पूछा और इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं पूछा था, बस कब का परचेज है ये सारी चीज़ें पूछी थी। और उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया, एक मैसेज आ गया। ठीक है, एक नंबर दिया गया। उसके बाद शाम होते होते एक और कस्टमर केयर का कॉल आया मेरे को कि ठीक है आप अपना इनवॉइस जो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए और कब का परचेज है वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप मेरे को भेज दीजिए। तो वो मैंने भेज दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को कल आप टेक्नीशियन विजिट करा दीजिए, क्योंकि मुझे जो है सो परसों दिन कल छुट्टी है मेरी, परसों से मैं अपने जॉब पे रहूँगा तो कोई यहाँ पे है नहीं घर पे अभी जो कि विजिट होगा तो करने के लिए कोई टेक्नीशियन आएंगे। तो अब उस अगले दिन टेक्नीशियन यहाँ पे अभी आ चुके हैं। तो अब देखिए टेक्नीशियन विजिट कर चुके हैं, मेरे घर तक पहुँच गए हैं कॉल करने के बाद, शाम के 4 बजे आए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी टेक्नीशियन या जोमेटो वाला स्विगी वाला कोई भी आते हैं आपके घर पर तो पानी जरूर पूछिएगा, ठंडा पानी, इस भीषण गर्मी में जहाँ 40 डिग्री गर्मी है वहाँ पर उनको थोड़ी सी राहत हो जाएगी। शाम के 4 बजे वो लोग विजिट करने आए हैं, तो चलिए मैं इसके बाद का वीडियो आपको उनके आने पर बनाता हूँ कैसे कैसे वो लोग करते हैं। चारों तरफ से हमारा फैक्ट्री फिटेड बॉडी वगैरह पर टाइट है, तो हम देखेंगे कि टेक्नीशियन जब इसको खोल करके और सारा कुछ करते हैं उसके बाद किस तरह का गैपिंग वगैरह या खुलने के बाद का निशान रह जाता है इसके अंदर। वारंटी वगैरह चेक नहीं कीजिएगा, कह रहे वारंटी वगैरह चेक नहीं कीजिएगा, खोल दिए उसके बाद देखिएगा, फिंस वा देख के कीजिएगा। अभी अभी 1 साल और चलाना हमको फिंस, कम से कम वारंटी भर तो फिंस बदला जाता है, साल में एक बार मतलब रिप्लेसमेंट हो जाता है, फ्री में। टेक्नीशियन ने आए और 15 से 20 मिनट में जल्दी जल्दी बना करके चले गए, बहुत माइनर सा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, इसको ओपन किया, जो कि इसको ओपन होता है, ऊपर से कैबिनेट ओपन किया और इसको यहाँ से खोला। खोलने के बाद फिर अंदर में चेक किया तो एक्चुअली क्या हो रहा था, पंप जो था यहाँ पे ज़्यादा फ्लो कर रहा था, पानी बहुत तेज़ी से डाल रहा था, जिस कारण से क्या होता पानी बाहर आ रहा था वो छीटा मार रहा था, तो ये जो मोटर का फिन्स है ना, मोटर का फिन्स के ऊपर वो पानी गिर रहा था जिस कारण से पानी बाहर आ जा रहा था, वो पानी नीचे लीकेज वगैरह हो रहा था। उन्होंने बताया हर 7 दिन में नीचे आप अपना ड्रेन कर लीजिएगा, जो भी पानी भरते हैं हर 7 दिन में खाली करते रहिएगा। ठीक है, और फिर मैंने उसके लिए बात किया कि देखो ये जो है ना, यहाँ इतना दूर फिंस में पानी नहीं जाता है, जो हनीकॉम पैड है उसमें पानी नहीं जाता है, यहाँ तक जाता है कुछ छोड़ करके फिर इधर तक जाता है। उन्होंने बोला इसका सर मत करवाइए, क्योंकि वो होल्स दिया हुआ रहता है यहाँ पे उनका, वो होल्स कंपनी फिटेड रहता है, अगर मैं अगर अलग से होल कर दूंगा तो वारंटी वॉइड हो जाएगी आपकी। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर मिट गया था तो चेक कर रहे थे, पर कोई नहीं यहाँ पे एक और जगह सीरियल नंबर रहता है तो ये वाला मिल गया। उन्होंने बोला कि सीरियल नंबर इस पर दिया हुआ रहता है तो मैच कराना पड़ता है, मैं इसके ऊपर टेप मार दूंगा जिससे कि ये सीरियल नंबर मिटे नहीं। उन्होंने बोला कि साल भर तक आपका वारंटी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, खासकर मोटर को लेकर, सिंपली का मोटर खराब जल्दी नहीं होता, आप निश्चिंत रहिए 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सर्विस है इनकी। मैंने कल कंप्लेन रजिस्टर किया, फिर रजिस्टर करते के साथ शाम को एक कॉल आया, उन्होंने अपना इनवॉइस मांगा, लोकेशन पूछा, सारा कुछ आपको लोकेशन नाम ये सब दे देना है, इनवॉइस का खाली फोटोकॉपी आपको व्हाट्सएप पे मांगेंगे दे देना है। जो टेक्नीशियन वीडियो किए थे उन्होंने भी मेरे को जो इनवॉइस का कॉपी था वो चेक किया और उसको अपने व्हाट्सएप पे मंगाया, फोटो जो है इनवॉइस का, जो फ्लिपकार्ट वगैरह से मैंने लिया था, तो फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया इनवॉइस का, बिल का, और वो डाल दिया। बिल का डेट वगैरह डालते हैं, सिग्नेचर वगैरह कराएंगे आपसे, और सिग्नेचर करके सारा कुछ वो लोग अपने से भर करके फिर चले जाते हैं। आराम से उन्होंने फिट कर दिया, यहाँ पे देखो फिट करने के बाद जो गैपिंग था थोड़ा सा, ये गैपिंग हल्का सा रह गया है, तो जो कंपनी फिटेड था उसमें पूरी तरह से ये पैक था, लेकिन इन्होंने एक बार खोला तो इसका ये पहचान हो गया कि थोड़ा सा गैप रह गया, बाकी सब फिटिंग इनके बराबर है, ज़्यादा कुछ खोला ही नहीं था, बस सिंपली यहाँ से खोल करके अलग किया था और फिर इसको फिट करके चले गया। 20 मिनट का टाइम लगा, जल्दी जल्दी उन्होंने किया और तुरंत निपटा दिया, बहुत ही स्वभाव अच्छा था उन लोग का, फैमिलियर थे, पानी वगैरह सब कुछ पूछा था। जैसा कि गर्मी चल रहा है, उन्होंने कहा कि इस गर्मी में 40 डिग्री गर्मी में आपको कूलर से काम नहीं चलेगा, सफिशिएंट कूलर नहीं होता है, एसी फेल हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोल करके गया कि कूलर के लायक मौसम है ही नहीं। और इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, अभी आप देख लो रिपेयर करने के बाद पानी वगैरह छीटा बाहर नहीं मार रहा है, तो मैं चेंज कर देता हूँ मोड्स को ऊपर से, तब भी वैसा नहीं मार रहा है, एक दो बूंद यहाँ पे अंदर में गिर रहा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर एक बूंद और पीछे से गिर रहा है, तो बोला उन्होंने कि फिंस पे गिरता है, बाहर आपको नहीं गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यही बात उन्होंने कहा। और अभी काफ़ी अच्छे से फिर चल रही है, पानी बाहर नहीं मार रहा है, बहुत ही जल्दी उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया इस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छे से टेक्नीशियन बढ़िया थे, बहुत ही अच्छा इनका सर्विस है दोस्तों। तो मतलब कल रजिस्टर किया सारा कुछ कंप्लेन और आज मेरा ये सोल्यूशन तुरंत आकर के टेक्नीशियन विजिट करके खत्म कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया रहा है। अगर आप नहीं रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर कोई भी रहते हैं तो आकर के वो लोग ठीक कर देंगे। 2 लोग आए थे दोस्तों बेसिकली, तो 2 लोग आए थे, एक ही आना रहता है लेकिन एक को अपना असिस्टेंट लेकर के घूम रहे थे साथ में, तो 2 लोग मिल करके आए थे हमारे यहाँ। जाते ही 15 मिनट में फिर से खराब हो गया था, तो दोबारा उनको बुलाए हम, दोबारा वो लोग क्या किए, एक पेपर अंदर डाल करके टाइट करके दोबारा से बना के गए, अब थोड़ा ठीक है, बढ़िया काम कर रहा हूँ।